अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज इस्लामाबाद में मौसम भी बहुत ख़राब है और सर्दी भी इतनी ज़्यादा है कि जब से वैसे मैं यहाँ आई हूँ ना, मैंने दर्सी या कॉल वगैरह नहीं ली है। कैप कॉल लेती हूँ, वो भी रात को बाहर जाते हुए, लेकिन आज घर में भी बहुत सर्दी हो गई है और बादल हो रहे हैं। और इस टाइम जो है चाय का टाइम है, चाय भी रखी हुई है, तो साथ अभी कुछ ऑर्डर की है चाय के साथ के खाने की। जो नाश्ता जो है वही इतना लेट होता है, तकरीबन 12-1 बजे के बाद नाश्ता जो होता है, उसके बाद अभी चाय का टाइम है, फिर बाद में रात को खाने का होता है। तो बस चाय मैंने रखी हुई है, अभी कुछ ऑर्डर किया है वो भी आ जाए, तो बाकी जो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। मुझे घर से इतने फ़ोन आ रहे हैं, अंजल बंटी के मम्मी आ जाए, मम्मी आ जाए, मैंने कहा आ जाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ से जाने नहीं दे रही थी कि ये बात आई हो। और मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा ख्याल है मम्मी एक बार पहले भी के लिए आई थी, और उसके बाद मैं अब आई हूँ ना, सेकंड टाइम अकेली आई हूँ। तो बच्चे जो हैं घर में बहुत उदास हो रहे हैं, बस जाने की कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह कि निकलूँ 1-2 दिनों तक। तो चलो, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ। और राफे भी घर में बहुत बोर हो रहे हैं, आज कह रहा था मम्मी आ जाए, मैंने कहा चलो आती हूँ बस 1-2 दिनों तक, वरना राफे को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ के आई हूँ ना। ये इनका तीसरा बेडरूम है ना, इस फ्लैट में 3 बेडरूम्स हैं अटैच बाथरूम के साथ, और क्या कहते हैं टीवी लाउंज। इस तरह के फ्लैट मुझे तो बहुत पसंद है, अल्लाह करे मुझे भी जल्दी से मिल जाए। और बाकी जो है मैं घर तो मैंने दिखाया हुआ है ना सारा, बस ये वाला एक रूम रहता था, तो अभी जाके चाय देख रही हूँ। अभी चाय का टाइम है तो कुछ चीज़ें अभी मंगवाई हैं, चाय बन रही है। भांजी चाय बहुत टेस्टी बनाती है। हसन क्या लोगे? क्या खाने हसन ने? बोलो। हसन अभी चिप्स खा के हटा है ना, ये खोल ले, इसमें क्या है? कुछ नहीं, इतना चीज़ है। पोटैटो स्पॉट। ओके, फ्लेवर कौन सा है? एक बार्बी क्यू एक टिक्का। अच्छा, एक बार्बी क्यू है और एक टिक्का है और ये पिज्ज़ा। क्या हसन नहीं खाता है? मुझे ये पसंद है। अच्छा, ये तो मेरा, ये तो सारे एक मैं खा लूंगी ना, ठीक है? क्यों, ये कहा है? भांजी गरम करने आई थी और इसने इधर ही काम शुरू कर दिया। ये पकड़ी गई है। क्योंकि ज़रा मुझे ठंडा लग रहा था, आते आते ठंडा हो गया, तो मैंने कहा चलो गरम कर लेते हैं। मैं इनके ना किचन में आई हुई हूँ, इन लोगों ने आज बनाई है गोभी आलू, और साथ मैंने ये चिकन पकोड़ा बनाना है, मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है कि ये मैं शाम को फ्राई करूँगी जब बहन आ जाएगी ऑफिस से, ये मैं फिर फ्राई करूँगी। गोभी आलू भांजी ने बनाया और बहुत टेस्टी बना हुआ है माशाल्लाह। और बस अभी चाय रखने लगी हूँ मैं, बाहर का दिखाती हूँ ठीक है कैसा वेदर। बाहर जो है ना आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल हो रहे हैं, मेरा ख्याल है बारिश होगी 1-2 दिनों तक। और थोड़ी सी मुझे भी अब हो रहा है कि बस मैं घर चली जाऊँ। अच्छा, अंजल जो है ना वो रोने वाला हुआ पड़ा है कि मम्मी घर आ जाए जल्दी से, दिल नहीं लग रहा है, तो मैंने उसको भी बताया कि हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन चले तो जाने क्योंकि बच्चों की जो लाइफ है पीछे बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है, खाने पकाने का बहुत ज़्यादा मसला है। उनकी ताई मी भी बना के भेजती रही हैं, उनको इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता खाना, वो वैसे ही पड़ा रहता है क्योंकि अपने घर का खाने की आदत है। तो मैक्रोनी भी कल उसकी ताई मी ने बना के भेजी, तो बच्चों ने जो है नहीं इतनी खाई है, कह रही मम्मी वैसे ही फ्रिज में रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो निकाल के ना वो शाजिया को दे दें, तो बस इंशाल्लाह मैं निकलूँगी। मैंने कहा दिखाऊँ ज़रा यहाँ पर ना, हाँ ये देख रहे नज़र आ रहे हैं ना, बादल हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तब भी बारिश हो रही थी, मैं फ्राइडे को आई थी और बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, अब मेरा ख्याल है जब मैं जाऊंगी तब भी बारिश ही हो रही होगी। बस चाय लेके बैठी हुई, मेरा ठंडा हो गया था, दोबारा से फिर से मैंने गर्म की है। बाकी क्या हुआ? नहीं वो स्पाइसी मंगवाया था, नॉन स्पाइसी। अच्छा, नहीं वैसे मज़े का पिज़्ज़ा भी मज़े का, मुझे तो ये अच्छा लगा था। क्या है ये? पोटैटो स्पड। पोटैटो स्पर्ट, हाँ ये बारबेक्यू में, और ये मुझे बहुत पसंद आया है। और
क्या कहते हैं, हाँ चाय भी किसी की पड़ी हुई है, अभी सब अपनी अपनी चाय लेके आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं और चाय पीते जा रहे हैं ना अपने अपने। मैंने कहा मुझे तो काम कोई नहीं है और मैं जल्दी से अपना जो है खा पी के तो फिनिश करूँ। बहुत मज़े का है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई की। और ये दो भांजियाँ ना इधर जुड़ी पड़ी हैं, हाँ इन दोनों को ये वाला फ्लेवर ज़्यादा मज़े। ये कौन सा फ्लेवर है? टिक्का। तुम ही टिक्का? ठीक, मैंने बारबेक्यू मंगवाया था, इन लोगों ने टिक्का मंगवाया है। हसन तुम नहीं कुछ खाओगे? हसन हर टाइम ये भी वीडियो पे लगा रहता है, हर टाइम राफी की तरह। दिखाओ कौन सी वीडियो खेल रहे हो, दिखाओ दिखाओ। अच्छा ठीक, तुम्हें ये अच्छी लगती है वीडियो? ये अच्छी लगती है। बस हसन अभी एक दो दिनों तक जाने वाला है स्कूल में, क्योंकि इसका एडमिशन हो गया हुआ है। और क्या कहते हैं, चाय पी इन लोगों ने, मुझसे बोल रही है कि वीडियो भी ख़त्म करें और बर्तन जो है वो भी खुद ही वॉश करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देती हूँ सारे ला के बर्तन, जिस चीज़ के जहाँ जहाँ पड़े थे ना दूर दूर वो सारे ला के रख दिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। वैसे इनको शर्म भी आती है, यहाँ पर गेस्ट आई हूँ तो सारा दिन कोई ना फरमाइश होती है कि आज ये बना दे ये बना दे। आंटी सादा, हाँ हाँ बोलो। छली छली लेके और क्या, तो मैं बस अभी बर्तन धोऊंगी। उससे पहले मैंने कहा मैं अपने आए जो वीडियो है वो ख़त्म कर लूँ। कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं वॉश कर देती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना। आज बहुत सर्दी लग रही है इसलिए शॉल लेके खड़ी हुई हूँ। तो आप लोगों से लूँगी इजाज़त, बर्तन धोऊँगी मैं, भांजी समझ रही हूँ बर्तन ही धोऊँगी धोऊँगी मैं। तो आप लोगों से लूँगी इजाज़त, मेरी तरफ से आप सब लोगों का अल्लाह हाफिज़।